हेलो वॉचर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी मूवी में मिलेगा जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त सस्पेंस, चेहरे पे चेहरा और चामड़ी मतलब हसीनाएं, क्योंकि ये है मिशन इम्पॉसिबल। इसमें आपको देखने को मिलेंगे द वन एंड ओनली द टॉम क्रूज। वैसे ये बात तो आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। By the way guys, Tom Cruise is my favorite Hollywood superstar. तो देर नहीं करते हैं, let's begin. दिखाया जाता है एक कमरा जहाँ पर हो रहा होता है secret interrogation. महिला को ऐसे लेटे हुए देख के हुआ ना आपका मनोरंजन चामड़ी। बेसिकली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन MIF है जो कि सीक्रेटली बड़े बड़े मिशन को अंजाम देती है। ये वाला अंजाम नहीं, जिसके बाद प्लेन में जिम से मिलती है एक मस्त माल महिला और उसे पता चलता है अगले मिशन का, जिसमें उसे रोकना है एक आदमी को जो कि एक गुप्त लिस्ट है चुराने वाला। प्राग की मीटिंग में जिम बोला, इसे तो रोकना ही होगा क्योंकि मैं चुकेगा नहीं साला। गाइस, बेसिकली इन लोगों को CIA की एक गुप्त लिस्ट को चोरी होने से बचाना है, वरना सबकी आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड में लीक हो जाएगी। तो और क्या, पहुंच जाते हैं सबके सब बहुत बड़ी पार्टी में जहाँ पर होने वाली है चोरी। सब आए होते हैं भेष बदल कर, और मेरे तो उड़ गए तोते चश्मा देख कर या चश्मे वाली को देख कर। गाइस, लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जिसके बाद सीक्रेट रूम में पहुंचकर हमारे टॉम भैया रख देते हैं कैमरा, जिससे कि पकड़ा जाएगा गुनेगार और बन जाएगा उसका वीडियो पूरा। सारा अपन तो पॉइंट है यार। दरअसल कैमरा चश्मे में था, और जब चोर डिस्क की चोरी करता है तो सब कुछ रिकॉर्ड भी हो जाता है, लेकिन अचानक होता है कुछ अलग। सब लोगों का कंट्रोल खोने लगता है और होने लगती है एजेंट्स की मौत एक के बाद एक। टॉम भैया करने लगते हैं चोर का पीछा, लेकिन बाकी बचे हुए साथियों के साथ चोर की भी हो जाती है मौत। अब अकेले बचता है ओनली द टॉम क्रूज। तो लगाते हैं वो अपने सीरियल को और कहते हैं, चचा मिशनवा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब इधर तो उधर बस मरे जा रहे हैं। तो सीनियर बोला, आ जाओ मेरे पास और सुनाओ अपनी कहानी। भूख प्यास लगी हो तो पी लेना थोड़ा चाय पानी, क्योंकि मैं हूँ रेस्टोरेंट में। जिसके बाद टॉम भैया पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट, जहां पता चलता है कि ये सब तो बस दिखावा है। दरअसल अभी भी ओरिजिनल लिस्ट लैंडले हेडक्वार्टर्स में है। ये सब तो बस एक चाल थी जिसको किया गया था जॉब को पकड़ने के लिए, जो कि CIA का एक अधिकारी है, और मैक्स को भी पकड़ने के लिए जो कि गुप्त लिस्ट का खरीदार है। लेकिन MI की टीम तो मर चुकी है और बचा है केवल द टॉम क्रूज। मतलब गद्दार कोई और नहीं बल्कि टॉम क्रूज है। अरे यार, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इसका सीनियर बोल रहा है। लेकिन अपना द टॉम क्रूज निकालता है एक च्युइंगम, और क्या, बूम, साला ये तो बॉम्ब है। तो गाइस, क्या समझे आप, द टॉम क्रूज है जेम्स बॉन्ड का भी बाप। इसके बाद 100 मीटर की स्प्रिंट लगाकर टॉम भैया भाग जाते हैं और घर पर ईमेल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे गाइस, मैं आपको बता दूं कि 90s के टाइम में ऐसे ही लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते थे, और ईमेल डैशबोर्ड भी ऐसे ही दिखता था। सो डोंट बी सरप्राइज्ड। आगे वहां पर आती है क्लेयर। अबे गधो, क्लिनिक ऑल क्लियर नहीं, क्लेयर। प्यार से बोलो यार, कितनी मस्त माल महिला है। वो होती है जिम की बीवी जो बच गई थी, लेकिन जिम की मौत की खबर सुन के हो जाती है सैड। बट डोंट वरी, अपना टॉम भैया लेके रहेगा बदला, क्योंकि वो है बैडास। जिसके बाद टॉम भैया बनाते हैं एक प्लान जहां वो डील करेंगे मैक्स से और आइडेंटिटी मांगेंगे जॉब की। जिसके बाद टॉम भैया ईमेल करके मिलने पहुंच जाते हैं मैक्स से, जहां मैक्स के लोग मिलवाते हैं टॉम भैया को। जिसके बाद वो, ये तो मैक्स नहीं मैक्सी है, मतलब महिला। मैक्सी बोल, मतलब मैक्स बोलता है, कंफ्यूज कर दिया कि सांस कहां से ले। जहां टॉम भैया कहते हैं कि मैं ला के दूंगा डिस्क, क्योंकि ये तो नकली है, और पतले में जानना है हु इज जॉब। इसके बाद मैक्सी मतलब मैक्स बोलती है कि वो डिस्क के बदले में $1 million देंगे, और क्या, डील डन, टेन टेन टेन। जिसके बाद टॉम भैया बनाते हैं एक टीम, भर्ती करते हैं एक कालो, मतलब कि एक ब्लैक आदमी जिसका नाम है लूथर, जो कि हैक करता है कंप्यूटर और छोड़ता है अपना असर। जानता हूँ यार, असर नहीं हुआ राइम का, मगर कोई बात नहीं। एक और आदमी है साथ, जिसका नाम है क्रेकर, जो कि पहुंचाएगा टॉम भैया को वॉल्ट के अंदर, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने में है बहुत खतरा,
अलार्म बचाएगा अगर गिरा पानी का एक बूंद भी कतरा। एक्सेस है केवल एक आदमी को जो है बहुत खास, और उसके अलावा कोई नहीं जा सकता है लिस्ट वाली कंप्यूटर के पास। तो जिसके बाद क्लियर पहुंचती है फेस बदलकर। गाइस लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आगे मिलाती है क्लियर उल्टी की दवाई जो कि वो खास आदमी पी लेता है। कैसे चामड़ी। उसके बाद शुरू होता है एक्साइटिंग पार्ट। टॉम भैया रस्सी में लटक कर गिरने से बचकर, पसीना गिरने से भी बचाकर, मुंह में फ्लॉपी दबाकर बाहर आ जाते हैं। मगर इतना ही आसान होता तो मिशन इम्पॉसिबल क्यों नाम होता बे। ऊपर आते वक्त गिर जाता है चाकू, जिससे पता चल जाता है सीनियर को कि टॉम भैया चुरा के ले गए डिस्को पट के डाकू। लेकिन आगे आता है एक ट्विस्ट। मिलता है जिम जो कि मर चुका था और कहता है अभी हम जिंदा है, असली गद्दार कोई और नहीं बल्कि अपना तो सीनियर है। जिसके बाद टॉम भैया बनाते हैं प्लान। वो मैक्सी मतलब कि मैक्स को बुलाते हैं ट्रेन में और देते हैं असली डिस्क। लेकिन वेट वहीं पर अपना लूथर तकालू जैम कर देता है सिग्नल्स को, जिससे कि नहीं हो पाता है लिस्ट डाउनलोड। डिस्क देने के बाद टॉम भैया जाते हैं ढेर सारे डॉलर्स लेने। लेकिन ये क्या सस्पेंस की बैंड की आंख। असली जॉब तकदार कोई और नहीं बल्कि जिम है, और पता चलता है कि क्लियर भी मिली हुई है और फंसाना चाहती है द टॉम क्रूज को। पैसे लेके वो जाना चाहती है रफू चक्कर, और उसके साथ मिला हुआ है द क्रीगर जिसने पहुंचाया था टॉम भैया को वॉल्ट के अंदर। लेकिन ये क्या चेहरे पे चेहरा, स्टार्टिंग में ही बताया था यार ये कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो द टॉम क्रूज है। लेकिन अपना टॉम भैया क्या किसी से कम है हाँ? उन्होंने पहले ही दे दिया था सीनियर को अपना लोकेशन। इसके बाद टिशम और टॉम भैया लिटरली ट्रेन पे चढ़ के हेलीकॉप्टर से लड़के, हेलीकॉप्टर को ट्रेन में फंसा के टनल के अंदर में लाके, ट्रेन से हेलीकॉप्टर में जाके च्युइंगम हेलीकॉप्टर में चिपका के वेट एक मिनट। ये अभी अचानक से कहां से पैदा हो गया यार, ये इतनी देर तक क्या कर रहा था। इतनी देर तक उसे हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दिया क्या। समझता हो यार पिक्चर बनाने के लिए इतना तो करना पड़ता है। तो कहानी में आ गया बूम, सब के सब ढेर, मगर हमारा हीरो द टॉम क्रूज जो कि खतरों से खेलते हुए मरते मरते बार बार बच जाता है। तभी तो मूवी का नाम मिशन इम्पॉसिबल है। और इसको क्या हुआ, हाँ इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो डायरेक्टर तो सुरा ही देगा। इधर मैक्स भी पकड़ी जाती है रंगे हाथ। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है लूथर द कालू। ठीक है यार मैं इतना भी रेसिस्ट नहीं हूँ। लूथर से मिलके ईथन कहता है अपुन चलता है बड़ो। जिसके बाद प्लेन में ईथन द टॉम क्रूज से मिलती है एक आइटम मतलब एयर होस्टेस समझा करो यार, और उसे जानकारी मिलती है नेक्स्ट मिशन की जो कि इम्पॉसिबल है। तो गाइज ये हमारे मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की पहली वीडियो है, मतलब पूरी सीरीज भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मजेदार लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो यार, और कमेंट्स में जरूर बताओ कि कौन सी मूवी आप हमारे नशेर में देखना चाहते हैं, जहां मैं सुनाऊंगा पूरी फिल्म की कहानी फनी स्टाइल में। तो टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए वीडियो में।